Hello everyone, welcome to Vaishnavi Education. So in this particular video of today, we'll be discussing the next part of our ID Act, that is part 3 of ID Act. Last video mein maine aapke saath discuss kiya tha last slide we discussed was this one, the payment of full wages to workers pending proceedings in higher court and the period of operation of settlement and award. ठीक है, तो last video में basically जो हमने discuss किया था वो dispute settlement machinery की थी, तो वो भी काफ़ी important है. अब next जो है आपका वो है notice of change. तो basically this is a thing which we study in schedule 4. Okay, तो 5 शेड्यूल थे जो हमने रिपीटेडली मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ, और जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज़ आती है, तो ये आता है 4th शेड्यूल में. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. नोटिस ऑफ चेंज मतलब कि कुछ भी चेंजेस अगर इम्प्लॉयर करता है कंडीशंस ऑफ वर्क में जो कि इफेक्ट कर रहा है इम्प्लॉयज़ को, तो वो नोटिस ऑफ उसे नोटिस देना पड़ता है उसके लिए, इसलिए इसको बोलते हैं नोटिस ऑफ चेंज. ठीक है, ठीक है. लाइकली टू गिव वर्कमैन टू बी इफेक्टेड बाय सच चेंज और नोटिस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड चेंज कैन कम इनटू पिक्चर आफ्टर 21 डेज. ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कितने दिन में वो नोटिस ऑफ चेंज का जो नोटिस है वो देने के बाद कितने दिन में वो जो चेंज है वो पिक्चर में आ सकता है, तो वो आ सकता है आपका 21 डेज के बाद. एक बार आपने नोटिस दे दिया, 21 दिन बाद आप उसके जो प्रोविजन्स हैं, जो नोटिस जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस आपने किए हैं, वो आप लेके आ सकते हो प्रैक्टिकली. ठीक है, अच्छा कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें कि आपको नोटिस नहीं देना पड़ता, नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड. वो कौन से हैं? वेयर द चेंज इज इफेक्टिंग इन परसुएंस ऑफ एनी सेटलमेंट और अवार्ड. अगर आपने चेंज तो किया है लेकिन वो आपने किसी अवार्ड की वजह से या फिर आप किसी सेटलमेंट की वजह से उस चेंज को कर रहे हो, तो तब आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है. वेयर द वर्कमैन लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द चेंज आर द पर्सन टू हुम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री लॉ सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील. तो ये कुछ कैटेगराइज ऑफ वर्कर्स हैं, अगर ये इसमें आते हैं तो आपको फिर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, अच्छा पावर टू एक्सेप्ट कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है किसी कैटेगरी को कि उसे नोटिस ऑफ चेंज नहीं देना, तो वो किसके पास है? वो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर. ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है. नोटिस ऑफ चेंज की स्लाइड थी 4th शेड्यूल 21 डेज, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. कौन सी ऐसी कंडीशन है जब पर्सन को नोटिस ऑफ चेंज देने की जरूरत नहीं है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए. इन हाउ मेनी डेज एडवांस नोटिस इज टू बी गिवन इफेक्टेड वर्कमैन फॉर द चेंज इन अ कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन व्हेन नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर एनी एडजुडिकेटिव अथॉरिटेटिव एंड प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. तो ये इसका आंसर है 21 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड जर्नल जो आपकी कुछ सर्विसेज हैं, जो नॉर्मल सर्विसेज हैं, उनमें आपको नोटिस देना पड़ता है स्ट्राइक और लॉकआउट देने से पहले, या फिर कुछ कंडीशंस हैं जो प्रोहिबिट करती हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट को. तो बेसिकली नॉट प्रोहिबिटेड, आईडी एक्ट में स्ट्राइक्स और लॉकआउट क्या है, प्रोहिबिटेड नहीं है, लीगल नहीं है, बट कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं. वो क्या है? पहला है, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक और लॉकआउट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या क्या होगा अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो नहीं करता, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली है, विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर 6 वीक एडवांस नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट. जब तक कि उसने 6 महीने का एडवांस नोटिस ना दिया हो कि वो स्ट्राइक या लॉकआउट करने वाला है. विदिन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, कि 14 दिन तक, जब उसने नोटिस किया उसके 14 दिन के अंदर अंदर वो कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट स्पेसिफाइड ऑन सच नोटिस. नोटिस में आपने लिख दिया है कि सो एंड सो डेट को हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक, या फिर एम्प्लॉयर अगर करेगा तो लॉकआउट करने वाला है, तो उससे पहले वो नहीं कर सकता. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. कंसिलिएशन जो आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी में आपने कंसिलिएशन पढ़ा था, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कंसिलिएशन इज मैंडेटरी, हमने ऐसा भी पढ़ा था, राइट? तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अगर चल रही है बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर, तब नहीं करोगे. और अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का जो अवार्ड था वो आ गया एंड 7 डेज के बाद नहीं करोगे. 7 डेज तक कर सकते हो, 7 डेज के बाद नहीं कर सकते. एंड 7 डेज
आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो 7 डेज तक तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर 7 डेज खत्म हो गए उसके बाद आप कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। द नोटिस ऑफ लॉकआउट और स्ट्राइक शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर देयर इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट। अगर पहले से ही स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा था तो स्ट्राइक और लॉकआउट का जो नोटिस है वो मैंडेटरी नहीं है इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बट इम्प्लॉयर शैल सेंड, इम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो इंटीमेशन ऑफ सच लॉकआउट भेजे, बताए उनको नोटिस, मतलब उनको एक इंडिकेशन दे कि हम लॉकआउट करने वाले हैं, या फिर इम्प्लॉई अगर कर रहा है, वर्कमैन अगर कर रहा है तो वो स्ट्राइक का एक इंटीमेशन भेजेगा ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर्ड। जिस दिन वो डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्राइक या लॉकआउट स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन वो भेजेंगे कि आज से हम स्ट्राइक या लॉकआउट कर रहे हैं टू सच अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आइदर जर्नली और इन पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। एन एम्प्लॉयर रिसीव्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉई नोटिस ऑफ स्ट्राइक। जब एम्प्लॉयर को मिलता है नोटिस ऑफ स्ट्राइक और गिव हिज एम्प्लॉई नोटिस ऑफ लॉकआउट, ही शैल विद इन 5 डेज thereof report to appropriate government or such authority as the government may prescribe। अगर लॉकआउट का नोटिस मिलता है तो वर्कमैन जाके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को नोटिफाई करेंगे, और अगर लॉकआउट का मिलता है तो आपके एम्प्लॉयज जाके करेंगे। ठीक है, तो मतलब जिसको नोटिस मिलता है बेसिकली, अगर लॉकआउट एम्प्लॉयर कर रहा है तो उसका नोटिस वो वर्कमैन को भेजेगा, तो वर्कमैन जाके इस चीज़ को नोटिफाई करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस काफी बार पूछा जा चुका है। जनरल प्रोविजन भी देख लो, जो कि नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बॉडीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग नहीं करोगे, और 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इज बीइंग डन। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लेबर कोर्ट के सामने या नेशनल या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के सामने अगर कोई मैटर चल रहा है तब नहीं करोगे, एंड 2 मंथ्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। ठीक है, कि प्रोसीडिंग्स हो गई, 2 मंथ खत्म हो गए, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर एंड 2 मंथ आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ नहीं है कि उस टाइम पे नहीं करोगे, उस समय पे नहीं करोगे, और 2 मंथ के बाद फिर आप नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन, कि जो सेटलमेंट और अवार्ड आया था वो ऑपरेशन में है, अभी वो चल रहा है, आपने पहले उस पर अग्री किया था कि आप उसको मानोगे, तब आप नहीं कर सकते हो। इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट देख लीजिए, इट इज कमेंसमेंट और डिक्लेयर्ड इन कॉन्ट्रवर्शन ऑफ सेक्शन 22 और 23। जो भी स्ट्राइक्स या लॉकआउट, स्ट्राइक्स और लॉकआउट मैंने अपने अलग ही चैप्टर में एक कवर किया हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा है कि वॉट आर इलीगल स्ट्राइक्स, वॉट काइंड ऑफ स्ट्राइक्स आर कॉल्ड टू बी इलीगल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखा है। तो सेक्शन कोई भी कमेंसमेंट और डिक्लेरेशन इन कॉन्ट्रवर्शन ऑफ सेक्शन 22 और 23 के कॉन्ट्रवर्शन में जो भी स्ट्राइक और लॉकआउट आप करते हो वो इलीगल होते हैं। इट इज कंटिन्यूड इन कॉन्ट्रवर्शन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शंस अंडर एक्ट। ओके, कोई सेक्शन होगा यहाँ पे भी, ये मैं चेक करके बताऊंगी कि कौन सी चीज यहाँ पे मिसिंग है। Where a strike or lockout in pursuance of an industrial dispute has already commenced and in its existence of a time of reference of a dispute to both, the continuance of such strike or lockout shall not deem to be illegal। ये हमने पढ़ा है already, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कि already कोई strike या lockout था जिसकी वजह से वो matter board of conciliation के पास गया था या फिर arbitration के लिए गया था settlement के लिए, तो उस टाइम पे जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट चल रहा है उसको हम इलीगल नहीं मानते, हम उसको इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं मानते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। लेट मी चेक इफ वीडियो इज रनिंग। तो ये था, इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक। अगर कोई लॉकआउट होता है इलीगल स्ट्राइक के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, कि इलीगल स्ट्राइक चल रही थी उसी की वजह से लॉकआउट हुआ, तो उसको फिर हम इलीगल नहीं मानते, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉकआउट इज इटसेल्फ एंटीथीसिस ऑफ स्ट्राइक, सो इसीलिए ही ये लाइन भी ट्रू हो जाती है।
No person shall knowingly expend or apply any money in direct furtherance of a support of an illegal strike. अगर कोई illegal strike हो रही है, lockout हो रहा है, तो कोई भी person है, वो उस particular strike या lockout के furtherance में अगर पैसा लगा रहा है या फिर support कर रहा है, तो वो फिर उसको punishment मिलेगी. Application to section 25 to 25C to 25E. अब layoff और retrenchment दो तरीके के provision हम यहाँ देखेंगे. तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के जो प्रोविजन है ना, वो एक तो नॉर्मल प्रोविजंस हैं जो आप यहाँ पे देखोगे अभी, ठीक है. एक होते हैं स्पेशल प्रोविजंस जो अभी आप आगे देखोगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, सो दैट इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, नॉट एप्लीकेबल ऑन एस्टैब्लिशमेंट इन विच, मतलब किस पे नहीं लगते ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के प्रोविजंस जो हैं. ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है. तो इन विच लेस देन 50 वर्कर्स ऑन एन एवरेज पर डे वर्किंग हैज बीन एम्प्लॉयड इन प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ, जहां पे लेस देन 50 वर्कर्स एम्प्लॉयड है, लेस देन 50 वर्कर्स एम्प्लॉयड है. टू एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इन विच आर ऑफ सीजनल कैरेक्टर, जहां पे सीजनल नेचर का या फिर कैजुअल नेचर का काम का चल रहा है, या फिर परफॉर्म्ड ओनली इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक के काम चल रहा है, ठीक है, चला फिर रुक गया, फिर रुक गया, फिर चला फिर रुक गया, ऐसे काम चल रहा है, तो वहां पे ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के प्रोविजन नहीं लगते. जहां पे 50 से कम वर्कर एम्प्लॉयड है, या फिर जहां पे कैजुअल या सीजनल नेचर का काम चल रहा है. कंटिन्यूअस सर्विस क्या है, हम कैसे मानेंगे कि कंटिन्यूअस सर्विस है. अनइंटरप्टेड सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस विच मे बी इंटरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस. जो सर्विस है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इंटरप्ट हो रही है ड्यू टू सिकनेस, ड्यू टू अथोराइज्ड लीव, और एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, या फिर आपने स्ट्राइक की है जो कि इलीगल नहीं है, लीगल स्ट्राइक आपने की है, लॉकआउट किया है जो कि इलीगल नहीं है, लीगल है, ठीक है. ड्यू टू फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन इंक्लूडिंग लेड ऑफ वाली जो पीरियड है, अगर आपको ले ऑफ कर दिया था, तो तभी भी आपकी जो सर्विस है वो इंटरप्टेड नहीं मानी जाएगी, वो अनइंटरप्टेड मानी जाएगी, ठीक है. स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से आपको कुछ आपको पनिशमेंट मिली थी, जिसकी वजह से आपको नहीं आना था काम पे. पेड लीव्स आपने ली हैं अपनी, या फिर मटर्निटी लीव्स आपने ली हैं, या फिर टेम्परेरीली आप डिसेबल हो गए थे, आप काम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी इंटरप्टेड सर्विस में आती हैं, अनइंटरप्टेड सर्विस में नहीं आती, ठीक है. अगर आपने इन सो एंड सो रीजन से आपने छुट्टी ली है, तो आपको फिर कंटिन्यूस सर्विस में ही माना जाएगा. Even if a person has not served for continuous 1 year, अगर एक साल तक भी उस पर्सन ने काम किया नहीं किया है, और 6 month service, then also be considered as continuous service. ठीक है? Condition being he worked in previous calendar year for, कि उस particular person ने इस साल में, इस particular 12 महीने के period में, अगर उसने 6 महीने या फिर एक साल काम नहीं किया है, तो भी हम उसको, sorry, 1 year और 6 month, नहीं भी किया है, तो भी हम उसको कंटिन्यूस सर्विस मान लेते हैं. कब? जब उसने पिछले साल, इस साल से, सपोज ये 2020 है, या फिर 19 की बात कीजिए, या फिर 20 की ही बात कीजिए, क्योंकि अभी तो एक ही मंथ चल रहा है ना, अभी तो उसने फेब तक ही काम किया होगा, लेकिन इससे जो प्रीवियस मंथ ईयर था 19 था, 19 में उसने कितने दिन काम किया था? 190 days इन केस ऑफ वर्कमैन इम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन माइंड. अगर वो ग्राउंड के नीचे काम कर रहा था, 190 दिन उसने काम किया था, या फिर अबव ग्राउंड अगर वो काम कर रहा था, तो उसने 240 दिन काम किया था 2019 में, तब उसकी जो सर्विस है उसको हम इस साल में भी कंटिन्यूस सर्विस मानते हैं. फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month इन केस, अगर कैलेंडर मंथ अगर पूरे 12 महीने का ले, तो 190 डेज होता है, और बिलो ग्राउंड और 240 डेज, और इसका हाफ हाफ कर लेना. अगर 6 month की बात करेंगे ना, तो इसका हाफ हाफ कर लेना, जैसे कि इसका 120 हो गया और इसका 95 डेज हो गया, 190 का हाफ, तो ये आप देख लेना. राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन, अगर आपने ले ऑफ कर रखा है किसी पर्सन को, तो आप उसको कितना कंपनसेशन दोगे, ये हमने बोला है यहाँ पे. वर्कमैन अदर देन बदली वर्कमैन, बदली वर्कमैन कौन से होते हैं, जिनकी जो जो किसी और की जगह पे आके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो परमानेंट इन नेचर नहीं है, दे आर वर्किंग ऑन समवन एल्स प्लेस. सो बदली वर्कमैन, तो सारे वर्कमैन इन कंक्लूड क्या होते हैं,
आपके एंटाइटल्ड होते हैं टू गेट द लेड ऑफ कंपनसेशन अदर देन द वर्कमैन बदली वर्कमैन. तो बदली वर्कमैन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करते हैं. आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन विच शेल बी इक्वल टू कितना कितना कंपनसेशन दिया जाता है 50% ऑफ बेसिक वेजेस. सपोज बेसिक वेजेस उसकी 300 रुपए है डेली के, लेकिन उसको हम इसमें कितना देंगे 150 रुपीज देंगे प्लस डीए. ठीक है, तो आपको याद रखना है 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए दैट वुड हैव बीन पेबल टू हिम फॉर 45 डेज. तो अगर आप 45 डेज तक उसको कर रहे हो तो आप उसको ले ऑफ कर सकते हो 45 डेज के लिए, और 45 डेज तक आप उसको ये दे सकते हो 50% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए. ये एक एग्जाम्पल है बस. वैसे आप 50% ऑफ इस बेसिक वेज देते हो जितनी उसकी बेसिक वेज होगी. एंड इट शेल बी लॉफुल इफ एम्प्लॉयर आफ्टर 45 डेज पर्सन को लगा कि मैं उसको रिट्रेंच ही करना चाहता हूँ, मतलब मैं उसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ, मैं उसको काम पे नहीं रख सकता, तो वो जो 45 डेज तक आपने उसको दिया है ना कंपनसेशन, वो आप रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में इंक्लूड कर सकते हो. मतलब कि कहने का मतलब है कि उसको उसमें एडजस्ट करा सकते हो. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ले ऑफ हम कब किन किन केसेस में ले ऑफ नहीं लगता, किन किन केसेस में लगता है, कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है और कितना कंपनसेशन हम देते हैं. ठीक है, अच्छा, वर्कमैन को कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम उसको कंपनसेट नहीं करेंगे, वो कौन कौन से केसेस है ये देख लीजिए. पहला है, उसने रिफ्यूज कर दिया है आप उसको ना 5 माइल्स के अंदर अंदर ऐसा ही काम, जिस नेचर का काम वो ऑलरेडी कर रहा था, सेम नेचर का काम उसको दिलाना चाह रहे थे 5 माइल्स के अंदर अंदर, जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रहा था उसके 5 माइल्स के दायरे में, 5 माइल्स के दायरे में आप उसको काम दिलाना चाह रहे थे उसी नेचर का, सेम नेचर का काम, लेकिन उसने मना कर दिया काम करने से, तो आप उसको एंटाइटल्ड नहीं हो कि आप उसको लेड ऑफ कंपनसेशन दो, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाह रहा है. फिर इफ ही डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एट एन एस्टेब्लिशमेंट एट एन अपॉइंटेड टाइम ड्यूरिंग अ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर उसने एक भी बार पूरे दिन में अपनी प्रेजेंस नहीं दी है वहां पे. ले ऑफ तो आप उसे अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, वो तो अपनी मर्जी से नहीं घर बैठा ना, तो उसको अपनी प्रेजेंस वहां पे दिन में एक बार देनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं अवेलेबल हूँ काम करने के लिए. इफ सच ले ऑफ इज ड्यू टू स्ट्राइक, अगर ले ऑफ जो आपने किया है उसको उसकी स्ट्राइक की वजह से किया है कि वो स्ट्राइक कर रहा था तो उसकी वजह से आपने उसको ले ऑफ कर दिया. स्ट्राइक अलग अलग तरीके की होती है, स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन भी एक स्ट्राइक होती है कि आपने स्लो कर दिया है काम करना, तो उसकी वजह से अगर आप उसको ले ऑफ कर रहे हो तो आपको फिर ले ऑफ कंपनसेशन नहीं देना होता है. ठीक है, अब यहाँ पे ना स्लोइंग डाउन ऑफ स्ट्राइक देखिए, हमने एक वर्ड पीछे पढ़ा था, मैं दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे पढ़ा था इलीगल स्ट्राइक. ठीक है, अगर इलीगल स्ट्राइक की वजह से वो काम पे नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आप उसको ले ऑफ कर रहे हो, तो अब आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ता. और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क ना इलीगल काइंड ऑफ स्ट्राइक होती है, ये आपको वहां क्लियर हो जाएगा स्ट्राइक वाले लेक्चर में. अच्छा, अब यहाँ पे रिट्रेंचमेंट देख लीजिए, कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, तो नो वर्कमैन शैल बी एम्प्लॉयड हु हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर अंडर एन एम्प्लॉयर शैल बी रिट्रेंच्ड बाय एन एम्प्लॉयर. तो ऐसे ही आप किसी को रिट्रेंच नहीं कर सकते. अगर कोई पर्सन 1 साल से कंटिन्यूअस सर्विस में था, आपके यहाँ पे काम कर रहा था, तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको रिट्रेंच करना होगा. The workman has to be given 1 month notice. आप उसे पहले दोगे, ये बताओगे कि आप उसको retrench कर क्यों रहे हो, तब आप उसको retrench करोगे. The workman has been paid. उसको retrenchment compensation दोगे कितना? 15 days of average pay. 15 days of average pay. For every completed year of continuous service. जितने भी साल उसने काम किया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने 4 साल काम किया है, तो 4 साल में जितना भी उसका एवरेज पे बनता है उसका 15% आप उसको दोगे. 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एनी पर्सन एंड पार्ट ऑफ 6 मंथ का क्या केस होता है कि अगर किसी ने 4.6 मंथ काम किया है तो उसको आप 5 साल मानोगे, 5 ईयर्स मानोगे. सपोज किसी ने 3.6 किया है, तो अगर किसी ने 3.6 कर लिया है, फिर 3.7 कर लिया, 3.8 कर लिया, तो उसको आप क्या मानोगे? 4 साल मानोगे, 4 ईयर्स मानोगे. ठीक है, तो 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर एवरी कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस. नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर इज सर्व टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज वेल. तो आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी ये चीज बतानी होगी कि क्यों आप उस पर्सन को क्या कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो.
वेयर द ओनरशिप. अच्छा नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए. कंपनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग. अब अगर आपने अपनी अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो उसको, तो यहाँ वाले जो लोग हैं उनको तो आपको हटाना पड़ेगा ना. तो ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग में भी आपको नोटिस देना पड़ता है, वो देख लीजिए. अंडर द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट फॉर एन अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड वेयर ओनरशिप चेंज हो रही है, सपोज वेयर आर एग्रीमेंट और एन ऑपरेशन ऑफ लॉ फॉर द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू द अंडरटेकिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयर. अब न्यू एम्प्लॉयर के पास जा रही है, जरूरी नहीं है कि जगह ही चेंज हो रही है, मतलब ये इंडस्ट्री पहले यहाँ थी लेकिन अब ये इस्टेब्लिश हो रही है कहीं और पे, ऐसा जरूरी नहीं है. जरूरी ये भी हो सकता है, इस केस में ये भी हो सकता है कि ओनरशिप चेंज हो रही है, पहले ओनर कोई और था, अब ओनर कोई और है. Who has been in continuous service for not less than 1 year. तो ऐसे वर्कर्स जो वहाँ पे 1 year से ज्यादा काम कर रहे थे उनको आपको यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा. In undertaking, immediately before such transfer shall be entitled to notice. Notice भी दोगे आप उनको, बताओगे कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, मतलब अंडरटेकिंग चेंज हो रही है, और उनको कंपनसेशन भी दोगे, उतना ही कंपनसेशन दोगे जितना आप रिट्रेंचमेंट में देते हो, मतलब 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको ये नोटिस देने की या फिर ये कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं होती उस पर्टिकुलर पर्सन को, अगर आप चेंज इन अंडरटेकिंग या फिर इन ओनरशिप कर रहे हो तो, या ट्रांसफर इन अंडरटेकिंग कर रहे हो तो. तो ये कौन से केसेस हैं? द सर्विस ऑफ वर्कमैन हैज नॉट बीन इंटरप्टेड बाय सच ट्रांसफर. कि ट्रांसफर जरूर हो रहा है लेकिन उस पर्सन की सर्विस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब नहीं दोगे. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एप्लीकेबल टू वर्कमैन आफ्टर सच ट्रांसफर आर नॉट इन एनी वे लेस फेवरेबल टू वर्कमैन. मतलब जो चीजें उसको पहले प्रोवाइड की जा रही थी पिछली ओनरशिप में, उससे बेटर या फिर उसी के रिलेशन में उसी के ही इक्वलेंट टू चीजें आप उसको अभी भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन या नोटिस देने की जरूरत नहीं होती. थर्ड पॉइंट सी, द न्यू एम्प्लॉयर इन द न्यू एम्प्लॉयर इज अंडर द टर्म्स ऑफ सच ट्रांसफर और अदरवाइज लीगली लाइबल टू पे वर्कमैन इन एन इवेंट ऑफ हिज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन द बेसिस दैट हिज सर्विस हैज बीन कंटिन्यूअस एंड हैज नॉट बीन इंटरप्टेड बाय द. ये तो है, लीगली लाइबल तो होता ही है एम्प्लॉयर, ठीक है. अगर उसकी सर्विस इंटरप्ट हो रही है, वो परेशान हो रहा है, तो आपको उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जितना कंपनसेशन देना होगा, ठीक है. अब क्लोज डाउन ऑफ अंडरटेकिंग एक और केस बनता है कि अगर आप अंडरटेकिंग को क्लोज ही कर दे रहे हो, आप ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप क्लोज कर दे रहे हो, उस केस में आपको 60 डेज का नोटिस देना होता है. ये कौन देगा? सर्व्ड बाय एन एम्प्लॉयर. किसको देगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी देगा और वर्कमैन को भी देगा, ठीक है. लेस देन अच्छा नथिंग और किस केसेस है? कुछ ऐसे केसेस यहाँ पे भी हैं जिसमें कि आपको देने की जरूरत नहीं है नोटिस 60 दिन का. वो कौन से केसेस हैं? लेस देन 50 वर्कर्स अगर एम्प्लॉयड थे तो नहीं देने की जरूरत है. लेस देन 50 वर्कर वर एम्प्लॉयड एन एवरेज पर डे वर्किंग, मतलब आप उनको ना डेली बेसिस पे आप उनको पैसा दे रहे थे काम का, तब आपको देने की जरूरत नहीं है. अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो भी टेम्प्रेरी नेचर का काम था, कि हमें पता है कि बिल्डिंग जिस दिन बन जाएगी उस दिन काम बंद हो जाएगा, ब्रिजेस खत्म हो गए बनने, तो मतलब उस पर्टिकुलर जगह जो लेबर एम्प्लॉयड थी, जो इंडस्ट्री था, वो अब नहीं चल रहा क्योंकि अब ब्रिज जो था जिसके लिए वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया, तो फिर उस केस में आपको देने की जरूरत नहीं होती नोटिस, क्योंकि आपको पता था पहले से कि क्लोज तो होना ही एक दिन काम. अच्छा ठीक है. क्लोज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस शैल बी लायबल टू पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. अंडरटेकिंग विच इज क्लोज ड्यू टू बाय रीजन मेयरली, अगर आप अपनी अंडरटेकिंग को कुछ ये रीजंस हैं इनकी वजह से क्लोज कर रहे हो, ये कुछ रीजंस हैं इनकी वजह से आप अपनी अंडरटेकिंग को बंद कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे कंपनसेशन देने से, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा. कौन कौन से रीजन? फाइनेंशियल डिफिकल्टी, फाइनेंशियल लॉसेस आपके खुद के लॉसेस हैं, उसमें आप वर्कर्स को सफर नहीं करा सकते, तो आपको फिर पैसा देना होगा. फाइनेंशियल लॉसेस होंगे एक्युमुलेशन ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑफ स्टॉक्स, आपने ज्यादा सामान जमा कर लिया अपने पास, तो उस केस में फिर आप लोगों को कर रहे हो कि हम क्लोज कर रहे हैं अंडरटेकिंग को, हम काम नहीं यहाँ पे कंटिन्यू करा रहे, तो आप उनको पैसा नहीं दोगे, आप पैसा देने से बच जाओगे, ऐसा नहीं है, आपको देना पड़ेगा. ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लाइसेंस, आपका अगर लाइसेंस जब्त हो गया, ठीक है, या फिर लाइसेंस का जो पीरियड था वो खत्म हो गया, रिन्यू कराना पड़ता है ना लाइसेंस भी रिन्यू कराना पड़ता है, तो आपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया, तो उस केस में भी आपको देना होगा. इन केस वेयर द अंडरटेकिंग इज एंगेज्ड इन माइनिंग ऑपरेशन, एग्जॉशन ऑफ मिनरल्स, अगर मिनरल्स जो थे वो खत्म हो गए उस जगह के, तो आप काम नहीं करा रहे हो वहां पे, उस केस में भी आपको कराना देना होगा कंपनसेशन, ठीक है.
कितना कंपनसेशन देना होगा वो देखेंगे यहाँ पे. वेयर एन अंडरटेकिंग सेट अप बाय द कंक्लूजन ऑफ बिल्डिंग ब्रिज रोड्स कैनाल्स डैम्स और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इज क्लोज डाउन ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द अंडरटेकिंग हैज बीन सेट अप नो वर्कमैन इज देयर शैल एंटाइटल टू द कंपनसेशन. मतलब कि जो टेम्प्रेरी नेचर का काम था जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स कैनाल्स डैम्स जिसमें कि अगर वो 2 ही साल में खत्म हो जा रहा है वो काम तो आपको फिर नहीं देना है कंपनसेशन. ठीक है 2 साल याद रख लेना 2 ईयर्स याद रख लेना. बट अगर कंस्ट्रक्शन वर्क इज नॉट सो कम्प्लीटेड विद इन 2 ईयर्स अगर 2 साल में कम्प्लीट नहीं हो रहा है ही शेल बी एंटाइटल टू नोटिस. नोटिस भी देगा फिर वो 60 डेज का और कंपनसेशन भी देगा. कितना कंपनसेशन देगा कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस. फिफ्टीन डेज ही देता है इसमें भी यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन होता 15 डेज ही है 15 डेज ऑफ एवरेज पे. ठीक है और एक एक्सेप्शन इसमें ये होता है कि इन केस एम्प्लॉयज अनेबल टू पे कंपनसेशन अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जो एम्प्लॉयर है उसका बिल्कुल ही दिवालिया निकल गया वो बिल्कुल पैसा देने की हालत में नहीं है तो उस केस में ना उसको कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है और उससे सिर्फ 3 मंथ्स ऑफ एवरेज पे ली जाती है. हर एक वर्कर को 3 मंथ ऑफ एवरेज पे देता है फिर वो. ठीक है याद रख लेना. ओके प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉयर शेल ऑर्डिनरी रिट्रेंच द वर्कर हु वॉज लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड. तो कैसे रिट्रेंच करेंगे हम पहले जो लास्ट एम्प्लॉयड पर्सन होगा उसको सबसे पहले रिट्रेंच करते हैं. जो सबसे पहले एम्प्लॉयड पर्सन होगा फर्स्ट एम्प्लॉयड को सबसे लास्ट में रिट्रेंच करते हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला चीज होता है यहाँ पे. ठीक है री एम्प्लॉयमेंट में भी हम यही करते हैं कि जो पर्सन हमारे यहाँ ऑलरेडी थे अगर हम दोबारा से री एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं तो हम जो ऑलरेडी रिट्रेंच हमने किए थे उनको पहले एम्प्लॉय करते हैं उसके बाद बाकी लोगों को करते हैं ये बोला गया है यहाँ पे. इफेक्ट ऑफ लॉ इनकंसिस्टेंट विद द चैप्टर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव एन इफेक्ट. छोड़ो इसको नेक्स्ट पढ़ो. प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग. तो प्रोसीजर क्या है प्रायर परमिशन एटलीस्ट 90 डेज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेटेड क्लियरली दैट रीजंस एंड कॉपी शुड बी प्रोवाइडेड. ठीक है तो 90 डेज पहले आपने प्रायर परमिशन लेनी होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की. नोटिस आपको देना होगा 60 दिन पहले और प्रायर परमिशन 90 डेज पहले. इंडिकेट करना होगा आपको रीजन कि क्यों आप बंद कर रहे हो और वर्कमैन को भी आपको साइमल्टेनियसली वो नोटिस देना होगा. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू द अंडरटेकिंग सेटअप फॉर द फ्री कंस्ट्रक्शन. तो ये जो बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि बिल्डिंग कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क अगर ये सिर्फ 2 साल तक चल रहा है तो उस केस में आपको फिर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है परमिशन जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देगी वो 60 दिन में दे देगी और जो ट्राइब्यूनल है उसको दोबारा से रिव्यू करती है वो 30 डेज में करती है. ये भी याद रखना है आपको. एवरी वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एन अंडरटेकिंग इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परमिशन अंडर द सेक्शन शैल बी एंटाइटल टू रिसीव द कंपनसेशन. और कंपनसेशन कितना होता है इक्विवेलेंट टू 15 डेज ऑफ एवरेज पे जो कि मैंने आपको बताया फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ. अब स्पेशल प्रोविजन देख लो वो आपने रिट्रेंचमेंट और जो आपकी ले ऑफ था या फिर क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग था उसके आपने नॉर्मल प्रोविजन देख लिए. अब स्पेशल देख लीजिए. स्पेशल प्रोविजन आते हैं चैप्टर 5B में. ये कहाँ कहाँ लगते हैं सबसे मेजर क्वेश्चन मुझसे यही पूछते हैं बच्चे कि मैम ये कहाँ कहाँ लगते हैं स्पेशल प्रोविजन. तो हमेशा याद रखना कि ये फैक्ट्री माइंस और प्लांटेशन अगर ये तीनों वर्ड वहां मेंशन है ना क्वेश्चन में तो स्पेशल प्रोविजन लगा के आने हैं आपको. अगर वहां पे जैसे कि कमर्शियल वर्ड यूज हुआ है कमर्शियल एक क्वेश्चन भी है जो आया हुआ है उसमें कमर्शियल वर्ड यूज हुआ है तो वहां पे आप नॉर्मल प्रोविजन लगाओगे जो आप पीछे पढ़ के आए हो जिसमें कि 1 मंथ का नोटिस देते हैं. ठीक है तो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर 5B में आता है. पहली चीज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ था 1976 में हुआ था. मॉडिफाई हुआ 82 और 84 में. अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड अदर देन दोज ऑफ सीजनल कैरेक्टर. जहां पे सीजनल कैरेक्टर वहां तो लगते ही नहीं है रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ के. ठीक है और इंटीमेट नेचर का अगर काम हो रहा है तो वहां पे भी नहीं लगते. और अगर 100 से कम वर्कर्स वहां पे कितने थे 50 से कम वर्कर्स यहाँ पे कितने हैं 100 से कम वर्कर्स. तो ये दूसरी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है. ठीक है बस बकायदा वो मतलब बशर्ते वो चीज ना कमर्शियल नहीं होनी चाहिए. अगर कमर्शियल आ जाता है ना वर्ड तो वहां पे 500 वर्कर्स भी अगर एम्प्लॉयड है ना 500 भी तभी भी आप नॉर्मल प्रोविजंस लगाओगे. ये कौन से सेक्शन में बात करते हैं हम 25K और 25S से लेके हम नॉर्मल प्रोविजंस के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इनके बारे में बात करते हैं.
तो ले ऑफ देख लीजिए, ले ऑफ कब करेंगे हम, स्पेशल प्रोविजन में क्या क्या प्रोविजन देखेंगे। नो वर्कमैन एक्सेप्ट बदली और कैजुअल वर्कमैन हुज नेम इज ऑन द मस्टर रोल शैल बी लेड ऑफ बिफोर ऑप्टेनिंग प्रायर परमिशन। वहां पे हम प्रायर परमिशन नहीं ले रहे थे नॉर्मल में, यहाँ पे ले रहे हैं। अनलेस सच ले ऑफ इज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर, नेचुरल कैलमिटी, एक्सेप्शन है। अगर ये चीजें हो जाती तो आपको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत फिर नहीं है। एंड इन केस ऑफ माइंड सच ले ऑफ इज ड्यू टू दी फ्लड फ्लड्स एक्सेस ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेज और एक्सप्लोशन। द परमिशन शैल बी मेड बाय द एम्प्लॉय स्टेटिंग क्लियरली द रीजंस फॉर द इंटेंटेड ले ऑफ, के क्यों ले ऑफ कर रहा है वो, ये चीज आपको बतानी होगी, ठीक है। और ये नोटिस आपको साइमल्टेनियसली वर्कर को भी देना होगा। वेयर ले ऑफ इज ऑफ फायर फ्लड की वजह से हो रहा है, इनफ्लेमेबल गैसेस की वजह से, एक्सप्लोशन की वजह से हो रहा है, तो पीरियड आपको 30 डेज के अंदर अंदर, मतलब आपने जब वो ले ऑफ कर दिया था, कमेंसमेंट आपने कर दिया क्योंकि इमरजेंसी आ गई, एकदम से फ्लड आ गई जो कि नेचुरल है, आपके हाथ में नहीं है वो चीज, आप फ्लड जानबूझ के नहीं लाओ लाओगे कि हमें ले ऑफ करना है तो हम फ्लड ले आए, ऐसा नहीं होगा। तो फ्लड अगर हो गया था, इनफ्लेमेबल गैसेस का एक्सप्लोजन हो गया था, तो इन केसेस में उसे एकदम से ले ऑफ करना पड़ा, तो वो प्रायर परमिशन तो नहीं ले पाया। उस केस में उसे 30 डेज के अंदर अंदर, ले ऑफ करने के 30 डेज के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये चीज बतानी होगी और उनकी परमिशन लेनी होगी अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है ले ऑफ, तो ठीक है, तो उसे परमिशन लेनी होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द स्पेसिफाइड अथॉरिटी आफ्टर इंक्वायरी, वो पहले इंक्वायरी करेगी एंड अगर उसको लगता है कि हाँ कि जो ठीक चीज उसने बोली है वो सही है फिट, एंड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी वो एम्प्लॉयर को और वर्कमैन कंसर्न को बताने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन था, वॉट एवर दी थिंग्स वर देयर, वो सब बताने के बाद वो उसको परमिशन दे देती है, ठीक है। एंड व्हेन ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट परमिशन, ये चीज आपको कम्युनिकेट करनी होगी 60 दिन के अंदर, कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड, उसके जब एप्लीकेशन भेजी थी उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको बताना होगा। द परमिशन अप्लाइड फॉर सच डीम टू हैव बीन ग्रांटेड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज, अगर 60 डेज में आप उसको ये चीज कन्वे नहीं करते हो कि आपको परमिशन दी गई है कि नहीं दी गई है, तो उस केस में फिर आपको 60 दिन के बाद परमिशन डीम टू बी ग्रांटेड मान ली जाती है। ऑर्डर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज एंड शेल रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर, तो ये जो ऑर्डर आया है ये बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर और ये फोर्स में रहता है 1 ईयर तक। अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो फिर वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है रिव्यू के लिए, तो जो ट्राइब्यूनल है उस 30 डेज में अपना डिसीजन देना होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, 30 फिर 60 फिर 30, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है ये। वेयर नो एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी ले ऑफ के लिए, तो उस ले ऑफ को आप क्या मान लेते हो, इलीगल मान लेते हो, और आपको जो पर्सन है उसको सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। तो प्रोविजन शैल अप्लाई इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एज एक्सीडेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट और डेथ, तो देखिए अगर एम्प्लॉयर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई या फिर कुछ और एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तो उस केस में फिर उससे कंपनसेशन आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो उस केसेस में फिर ये स्पेशल प्रोविजन नहीं लगते। अभी रिट्रेंचमेंट के स्पेशल प्रोविजन है, वहां पे आपको सिर्फ 1 मंथ का नोटिस देना था, यहाँ पे 3 मंथ का देना है। प्रायर परमिशन लेनी होगी, वहां पे आपको कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी थी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, यहाँ पे भी वही चीज आ जाती है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको वो चीज कन्वे करनी होगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपको 60 दिन बाद वो चीज डीम टू बी ग्रांटेड मान ली जाएगी। अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो आता है ट्राइब्यूनल के पास और वो देती है अपना डिसीजन 30 डेज में। क्लोजिंग डाउन के केस में 90 डेज का प्रोविजन है यहाँ पे, और मतलब प्रायर परमिशन जो आपको लेनी होगी 90 डेज पहले लेनी होगी, यहाँ पे भी फिर 60 दिन वाली चीज आ जाती है, फिर ट्राइब्यूनल में 30 डेज वाली चीज आ जाती है, तो सारी चीजें सेम है। कुछ चीजें हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसमें जो कंपनसेशन दी जाती है वो यही 15 डेज ऑफ एवरेज पे फॉर एवरी कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस और इन एक्सेस ऑफ 3-6 मंथ। पेनल्टीज जो है वो मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी, तो पेनल्टीज मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ। अच्छा, लास्ट सेक्शन शेड्यूल है ये, शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में बात हुई है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो नो एम्प्लॉयर और वर्कमैन और ट्रेड यूनियन अनलेस रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1929 शेल कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए ना कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ पे कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है वो एक्सटेम्प्टेड होती है, ठीक है, दो सेक्शंस पढ़ेंगे हम वहाँ पे ट्रेड यूनियन में।
दो सेक्शंस पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ट्रेड यूनियन है। तो आपको वहां पे पता होगा कि जब तक कि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है, ही कैन नॉट परफॉर्म एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ओके। और उसकी पेनल्टी क्या है, वो ये है कि उसको अगर वो करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, और फाइन पड़ सकता है उसको 1,000 रुपए तक का, और दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं, ठीक है। एनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है, विच वॉयलेट द डीपीएसपी, डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है, अगर कोई वॉयलेशन करता है 43 आर्टिकल का डीपीएसपी के, तो फिर वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है। अब ये क्या है, प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कुछ लोग होंगे यहाँ पे देखिए, उन लोगों को प्रोटेक्टेड वर्कमैन बोलते हैं, और ये आईडी एक्ट के अंदर होते हैं। मुझसे रिसेंटली किसी ने पूछा भी था कि मैम आईडी, ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन कौन सी एक्ट में आते हैं, तो बेसिकली दे आर फ्रॉम आईडी एक्ट, ओके। सो एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू विच एक्ट अप्लाइज शेल कम्युनिकेट टू एम्प्लॉयर बिफोर 30th अप्रैल, 30th अप्रैल से पहले हर एक ट्रेड यूनियन को जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, और कौन सी इंडस्ट्री की ट्रेड यूनियन है वो, जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लग रही है, उनको 30 अप्रैल से पहले हर साल कुछ नेम्स और कुछ एड्रेसेस देने होते हैं कुछ लोगों के, ऑफ सच ऑफिसर्स ऑफ यूनियन हु आर एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट एंड हु इन द ओपिनियन ऑफ यूनियन, जो यूनियन को लगता है कि उनको हम प्रोटेक्टेड वर्कमैन बना सकते हैं। तो उनको हम प्रोटेक्टेड वर्कमैन बनाने के लिए कुछ नाम सजेस्ट करते हैं, कब, 30th अप्रैल से पहले पहले। एनी चेंज इन द इनकम्बेंसी ऑफ सच ऑफिसर शेल बी कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयर बाय द यूनियन विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। तो अगर चेंजेस कुछ है, तो आपको अगर आपने चेंज कर दिया उन नाम में कुछ, तो आपको वो चीज भी कम्युनिकेट करनी होगी सामने, और वो 15 दिन के अंदर अंदर करनी होगी, जिस दिन से आपने चेंज किया है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर। एवरी एम्प्लॉयर रिकोगनाइज विद सच वर्कमैन अंडर सेक्शन 33, 33 के अंदर आप ऐसे लोगों को निकाल के लेके आते हो जो कि आप प्रोटेक्टेड वर्कमैन की कैटेगरी में लेके आना चाहते हो, एंड कम्युनिकेटेड टू यूनियन इन राइटिंग विद इन 15 डेज, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन अलॉटेड टू यूनियन फॉल शॉर्ट, अगर कुछ लोग कम हो रहे हैं प्रोटेक्टेड वर्कमैन, क्योंकि इनके अभी कुछ नंबर होते हैं, 1% ऑफ टोटल वर्कमैन एम्प्लॉयड होते हैं ये, शैल बी एंटाइटल्ड टू सिलेक्ट द ऑफिसर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेक्टेड वर्कमैन, सच सिलेक्शन शैल बी मेड बाय द यूनियन एंड कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयर विद इन 15 डेज। तो अगर कुछ लोग कम हो जा रहे हैं ड्यू टू रिटायरमेंट, और ड्यू टू बहुत सारी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसकी वजह से कि वो पर्सन अब नहीं आ पा रहा है, एंटाइटल्ड टू सेलेक्ट ऑफिसर, तो यूनियन फिर एंटाइटल्ड होती है कि उस ऑफिसर को सेलेक्ट कर सकती है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटेक्टेड वर्कमैन, और उस सिलेक्शन को उन्हें 5 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को बताना होता है थ्रू रिसिप्ट, ओके। अब ये दो केसेस हैं, आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला केस था 15 डेज वाला, 15 डेज वाला वो था कि जब आप चेंज करना चाहते हो, इंटेंशनली आप चेंज कर रहे हो उस चीज को, तब 15 दिन में बताओगे, लेकिन ये ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन और ड्यू टू द शॉर्ट यूनियन फॉल शॉर्ट, मतलब मेंबर जो है वो कम हो गए हैं किसी वजह से, ठीक है। वो डेथ का केस भी हो सकता है, एक्सीडेंट का केस भी हो सकता है, तब आपको 5 डेज का टाइम मिलता है। अच्छा, कितने प्रोटेक्टेड वर्कमैन होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। 1% ऑफ टोटल वर्कमैन, जितने भी टोटल वर्कमैन है उसका 1% इंप्लॉयड, मिनिमम 5, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन को हम क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन है या फिर ऑफिस बियर ऑफ ट्रेड यूनियन है, उनको हम एज अ प्रोटेक्टेड वर्कमैन लेते हैं, और इनका नंबर कितना होता है, 1% ऑफ टोटल वर्कमैन इंप्लॉयड, और मिनिमम 5 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, मतलब 5 तो होने ही होने चाहिए। अभी वो क्वेश्चन है स्पेशल प्रोविजन और नॉर्मल प्रोविजन ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ आ गया, अब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आ गया, इसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे आपको 500 भी लिख देना, वो सिर्फ 50 नहीं, नॉर्मल प्रोविजन तो कब लगते हैं, जब 50 वर्कर एम्प्लॉयड हो, लेकिन अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लिख दिया और नंबर ऑफ वर्कमैन कितने भी लिख दे फिर वो, लेकिन लगेंगे फिर नॉर्मल प्रोविजन ही, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन ही लग रहे हैं। तो किसका केस है ये, रिट्रेंचमेंट का केस है ये, हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस द एस्टेब्लिशमेंट,
देन विच ऑफ द कंडीशंस आर टू बी फॉलोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, कौन सी कंडीशंस आप फॉलो करोगे? तो इट हैज सर्व अ 1 month नोटिस, जी 1 month का नोटिस देगा वो, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन है. इट हैज सर्व 3 month नोटिस. 3 month नोटिस वो कब देगा? जब स्पेशल प्रोविजन लगते. लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे हम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मेंशन कर चुके हैं. और ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 15 days एवरेज पे, हाँ इतना ही दिया जाता है. नोटिस प्रिस्क्राइब हैज बीन सर्व्ड इन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑल्सो. हाँ, नॉर्मल प्रोविजन में हम नोटिस देते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, लेकिन प्रायर परमिशन नहीं लेते. प्रायर परमिशन अगर हम लेते हैं तो वो कौन से केस हो जाता है? वो स्पेशल प्रोविजन हो जाता है. तो ये ई वाला आपका स्पेशल है. तो अब यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है कि आपका ए सी और डी नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सही है, और यही आपका ऑप्शन नंबर सही भी है यहाँ पे. होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें मैं क्या बोल रही हूँ. अब ये स्पेशल प्रोविजन का केस है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फैक्ट्री, जहाँ पे प्लांटेशन, जहाँ पे माइंस, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको. ये 3 वर्ड आपको मेंशन नहीं मिलेंगे किसी बुक में. ये आपको बहुत ढूंढने के बाद मेरे को भी मिली थी ये चीज. फैक्ट्री, प्लांटेशन और माइंस अगर कहीं पे लिखा हुआ है और वर्कर्स 100 से ऊपर हैं, तो आपके स्पेशल प्रोविजन लगते हैं. तो यहाँ पे फैक्ट्री लिखा है, वर्कर्स 200 वर्कर्स से ऊपर है, और रिट्रेंचमेंट का केस है. तो यहाँ पे आप प्रायर परमि 3 month का नोटिस दोगे, प्रायर परमिशन लोगे. कहाँ है प्रायर परमिशन? ये रहा डी. और कंपनसेशन उतना ही दोगे, 15 days ऑफ एवरेज पे. तो ए डी ई और ई आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे. एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोटेक्टेड वर्कमैन के लिए, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है. अ प्रोटेक्टेड वर्कमैन कैन बी डिस्चार्ज और डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. हमने ये चीज पढ़ी है कि जितने भी डिस्चार्ज, डिसमिस्ड, रिट्रेंच्ड वर्कर्स, ले ऑफ, ये सारे केसेस वाले जो लोग होते हैं, ये भी वर्कर्स होते हैं, ये भी वर्कर्स होते हैं आईडी एक्ट के अंदर. तो इसलिए इन लोगों को भी हम प्रोटेक्टेड वर्कमैन की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन पॉइंट देखें, अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बियरर. तो मैंने बताया आपको एग्जीक्यूटिव्स और जो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ही होते हैं आपके प्रोटेक्टेड वर्कमैन. ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ. थर्ड, द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन रिकॉग्नाइज शेल बी विद इन अ रेंज ऑफ मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं. बताया ना, मिनिमम 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं. तो ये भी सही हो गई. 2% ऑफ टोटल वर्कमैन, 2% गलत है क्योंकि 1% होता है. अभी पीछे ही हमने पढ़ा था, दिखा देते हैं वापस से. ये रहा 1%, मिनिमम 5, मैक्सिमम 100, एग्जीक्यूटिव, ऑफिसर्स बियरर्स, और वर्कमैन की कैटेगरी में तो आते ही है डिस्चार्ज, डिसमिस, रिट्रेंच सब आते हैं. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी 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 मच स्पेसिफिक अबाउट ऑल द टर्म्स यूज्ड इन ऑल द एक्ट्स, नॉट इन दिस पर्टिकुलर एक्ट बट ऑल द एक्ट्स. सो अभी मैं पीछे जा रही हूँ, मुझे आगे जाना है. ठीक है, तो ये था, ये लास्ट क्वेश्चन था जो डिस्कस करना था. तो यहाँ पे आपका आईडी एक्ट खत्म हो गया. जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू आईडी एक्ट्स आप पूछ सकते हो मुझसे, वंस आई शेड्यूल दिस लेक्चर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन एजुकेटिंग. अपने आप को भी कीजिए और दूसरों को भी कीजिए. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच अगेन, सी यू सून अगेन.